तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आर न्यू व्लॉग। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी बज रहे हैं, घड़ी की तरफ देख रही थी बट घड़ी का सेल खराब सॉरी ख़त्म हो गया। अभी बज रहे हैं 12:05, दोपहर के 12 बजे हैं। और जो जतिन जी है वो अभी तक सो रहे हैं क्योंकि रात को ये कर रहे थे एडिटिंग, फिर एडिटिंग करते करते ये लेट सोए शायद 2 या 3 बजे। हमारा ब्रेकफास्ट तो हो गया, इनका ब्रेकफास्ट नहीं हुआ। हम तो तैयार भी हो चुके हैं नहा के फ्रेश होके, इनको उठाने की कोशिश करते हैं। जरा जतिन जी पसीना पसीना आया पड़ा है। Hey guys, good morning। और अभी मैं जा रहा हूँ नहाने के लिए बिकॉज मैं थोड़ा लेट उठा हूँ क्योंकि यार रात को मैं एडिटिंग कर रहा था तो मुझे 2:30 बज गए, रात के सोते सोते 3 बज गए थे। तो अभी नहाते हैं, फिर हमने मार्केट जाना है। मार्केट जाना है ना, आज हमने ना वो लेना है किचन का सामान अपना। आज हमने लेने जाना है राशन वगैरह लेने जाना है। पहले तो मैं और मम्मी जाते थे लेकिन निधि बोल रही है कि आज मैं जाऊंगी इस बार फर्स्ट टाइम। और क्या लेने जाना हमने? बस राशन ही लेने जाना है, मेन राशन ही लेने जाना है। चलो पहले मैं नहा लेता हूँ। और ये कब से मेरी मिन्नत कर रहे हैं नहा लो यार, मैं तैयार हो जाऊं या फिर हम लोग राशन लेने के लिए। चलो यार, ये इसने तो मुंह ऐसे कवर करा था जैसे बाहर रेगिस्तान हो। रेगिस्तान से कम नहीं है हमारा लुधियाना। चल फिर उठे यार, चले जल्दी जल्दी, बाइक निकालो जल्दी से। की कादी सिलेंडर वाली, सिलेंडर वाली मैं पता की करूंगा, पहला राशन लेने इन घरे तार दूंगा, फिर मैं जाऊंगा शुभम कोल। ठीक है, एक तो वाला काम करना। ठीक है, फिर अडार सिलेंडर वाला काम भी कर दूंगा, पैलेस वाला काम भी कर दूंगा। पैलेस बुकिंग है? पैलेस बुकिंग नहीं, तेरे ब्याह का बिल हजे तक नहीं लेके आए। गुरुद्वारे भी जाया, ठीक है। अभी बेच ही लगी हुई है। हाँ देखो सोटी देखो, मैं सोटी सोटी जूते लगाने, तो पहले रुको मेरे ब्रांडेड शूज। कल आपके ब्रांडेड शूज से याद आया, इतना बुरा लगा ना कल, मेरे 2 जोड़े शूज के चूहे उतर गए और दोनों के दोनों मतलब उतर गए। सही बात है, ठीक है। तो आज यामा लेके नहीं जाएंगे, आज लेके जाएंगे हम डीलक्स। ये मेरी बाइक नहीं है, ये शुभम की बाइक यहाँ पे खड़ी है कभी से, तो हम ये यूज कर रहे हैं कुछ दिनों से। स्कूटर ही लगा कि पेट्रोल है हैगा वा, चेक कर लाओ। चेक रहने दे, छोटे होंदे पता ही कीता पेट्रोल चेक करन लगा, माचिस माचिस लगा के देख दी भी अग लगाती। पुठे कम कौन आंदी सी, इस पे लिखा तो नहीं है कौन सा राइस है। अच्छा ये बासमती लग रहा है कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, लिखा होगा ना। 5 किलो वाली पैकिंग लेनी है पापर, कट ही लेने हैं 5 किलो। क्या देख रहे हो? ये मैं देख रही थी कड़ी मसाला, कड़ी पत्ता ले जाते हैं। रहने दे यार, क्लोज अप ले ले, बड़ी वाली ले ले, ये पड़ी बड़ी वाली है ही नहीं, ये ले लेनी। तो तीन 12 पैकेट काफी है ना? बहुत है। रमीन लेने थे, रमीन नूडल तो नहीं है मेरे में, नहीं है कहाँ ये वाले? देखो ये कौन से, ये तो पर इसका सूप नहीं अच्छा लगता यार मेरे को। ले ले एक ले लेते, ज्यादा नहीं, छोटा ले ले फिर छोटे। चल ले 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 ले, ले, ले। जूस वगैरह और कोल्ड ड्रिंक पड़ी है सच्चे घर पे। और क्या लेना था? जैसे हम शॉपिंग कर रहे हैं ऐसा तो नहीं कि जैसे हम कुछ सामान ले रहे हैं उस पे इतना लेने पे हमको इतना परसेंट कुछ इंटरेस्ट है। वो इनका जो खुद का चलता है ना, कितने इतने हजार की शॉपिंग पे ये गिफ्ट है, बस यही है यहाँ पे। अच्छा ऐसा नहीं है कि ये वाला लेने पे इतना होगा, वो भी होता है, वो किसी किसी पे स्कीम लगी होती है जैसे कोल्ड ड्रिंक पे। तो एक बार अगर पूछ लेते ना, किलो की पैकिंग ले ला, खुला भी मिल जाता है बोल रहे थे। ये कितने की पैकिंग है? पास्ता खुला भी होगा फिर? नहीं होगा। कितने की पैकिंग है? पता नहीं, प्राइस नहीं लगा, ऊपर भी नहीं लगा। देख तो ले, लिखा होगा बाय वन गेट वन फ्री। एक किलो की पैकिंग है, बाय वन गेट वन फ्री है।
आ देखो यहाँ पे हमें ना ये फायदा हो जाता है, मतलब क्या बिल तो बनता ही बनता है, और बिल के अकॉर्डिंग जितनी भी पर्चियाँ होंगी, चाहे वो लास्ट 6 महीने की जितनी टोटल होंगी, उस पर गिफ्ट मिल जाता है टोटल करके। तो हमने गिफ्ट में ये वाली बॉटल ले लिया, वैसे हमने प्लेटें लेनी थी ये, बट 6 प्लेटें आनी थी। चलिए ये ले ले, ठीक है अभी नेक्स्ट टाइम वो ले लेंगे। राशन कौन सा अगली बार लेने फिर भी मिलेगी। हाँ दे दो अंकल एक प्लेट। दो कलर लेना वा कहो लोटी खाली सी। हाँ हूँ कहती हूँ लोटी खाली नहीं आती। मनीषा के ससुराल में इसकी वेडिंग की एल्बम भी आ गई और मूवी भी आ गई, और हमारी अभी तक नहीं आई। अपने फोटोग्राफर को मैसेज कर करके कॉल कर करके परेशान हो गया हूँ, लेकिन वो बंदा रिप्लाई ही नहीं कर रहा मेरा। अरे नकल कर दी, देख देख तमाशे देख। बुगू 11 बज गए, चलो घरे अपने, चलो 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 अपने घरे। देखी पौड़ियां चढ़ जानी इन्हें, सॉरी पौड़ियां चढ़ दी है खुद। अग लगी, अग अग लत्ता बाहां टूट जानगियां। ले किता ही नहीं अगली ने बेइज्जती। चलो आ देखो जिन्ना मर्जी कह लो, 1 साल 5 महीने का बच्चा इन्ना तेज नहीं हुंदा हैगा। हुंदा इन्ना तेज बुगू इधर आ जा। और भाई अपने लैपटॉप के लिए हमने ये बैग लिया है, को बहुत अच्छा सिंपल सा लगा था तो मैंने ये खरीद लिया। निशा तुम तो ओके तो कल काओ कल मासी होनी आ रहे खानू चीजियां लेनिया, भुख नहीं पानी पुत ने। ठीक है पुत, भूमि और पारस छुट्टियां काटने के लिए आ रहे। बूंदी ते पालश नहीं पेरिस, पेरिस बूंदी और पेरिस आ रही। मेरा और निधि का भी प्लान बन रहा है कि हम लोग जाएंगे 17 के बाद घूमने के लिए। अभी हमने फाइनल नहीं कराया कि हम कहाँ जाएंगे। हमारा बन रहा है कसौल, मनाली, जिब्बी, बीरबिलिंग या फिर नेपाल। जी हाँ शायद हम नेपाल भी जा सकते हैं, बाकी पता नहीं। नेपाल हाँ जी दूर आ, देश पैन का अलग, पर उसे वीजा वूजा की लोड़ नहीं ना। नहीं मम्मी सगो हिंदू लोग रहते उ थोड़ा बहुत ही होता है जैसे हमारे नेपाल सोना बहुत आ। काठमांडू इन्ना सोना मम्मी, काठमांडू बहुत सोना वा। नूडल को वहां चाउमीन बोलते हैं हमारे भी शिमला में। फिर बाय एयरपोर्ट जाना, बाय एयर भी जा सकते हैं, बाय ट्रेन भी जा सकते। बस ते अपनी फ्रेंड मेरा फ्रेंड सी ना एक उत्थे शिमला च, बस ते जांदा मैनूं लगदा पता नहीं 3-4 दिन लग जांदे। हमारे भी दूर काम पे है, वो भी तो जाते ना, तभी बोरी थी वहां जाना होगा, वो गए अभी अपने घर घुमा देगा। वाह अच्छा, काठमांडू बहुत सोहना, ते होर भी बहुत जगह ने घूमन नूं, मंदिर वगैरह भी होणगे। मंदिर तां बहुत ज्यादा ने, मंदिर तां बहुत ज्यादा ने, पर बोली नहीं समझ लगदी आपां नूं जाके। जे नहीं हिंदी भी बोलदे उत्थे, मैनूं लगदा हिंदी भी बोलदे आ। गले में बहुत सारी मालाएं डालते हैं वो, गोल गोल मोती।
और गाइस 12:58 हो गए हैं एंड एडिटिंग जो है मैंने कंप्लीट कर दी है और मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ यार, मेरे को बहुत नींद आ रही है। मैं 5-6 मिनट की वीडियो एडिट करी थी और मेरे को इतनी नींद आ रही थी, सोच रहा था सुबह उठ के करूंगा, लेकिन मैंने सोचा यार अभी करके सोऊंगा, बिकॉज सुबह उठ के फिर एडिटिंग करते हैं ना पूरा दिन खराब हो जाता है यार, क्योंकि 1-2 घंटे ऐसे वेस्ट हो जाते हैं। उसके बाद फिर ऐसा लगता है अगर थोड़ी देर रेस्ट कर लें, 1 घंटा सो जाए या ऐसा, फिर उस बहाने में ना बस पूरा दिन वेस्ट हो जाता है। बाकी अभी आराम से सोएंगे, अभी सुबह 9-10 बजे उठना है, जल्दी उठना है मेरे लिए यार, 9-10 बजे भी जल्दी है क्योंकि कल मासी उन्होंने आना है। बाकी ये व्लॉग यहीं पे एंड कर रहा हूँ, आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करके बताना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, मिलते जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू।